हेलो दोस्तों, मैं गुलशन गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल गुलशन गुप्ता। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, मतलब भेदभाव। भेदभाव हमारे भारत में बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या इसकी वाकई में ज़रूरत है भेदभाव करने की? क्या अब जो जनरेशन चल रहा है उस जनरेशन को भेदभाव करने की ज़रूरत है या नहीं है? भेदभाव बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनमें भेदभाव किए जाते हैं, पैसों से लेकर अमीरी गरीबी, पढ़ाई, रिलीजन, और सबसे बड़ी भेदभाव है कि जेंडर्स के बीच में, एक गर्ल्स और बॉय के बीच में। ऐसे बहुत से ऐसे दो चार कंट्री है जहाँ पर लड़कियों को अभी तक से पढ़ने नहीं भेजा जाता, स्कूल बैन है लड़कियों के लिए, वो लोग खुले घूम नहीं सकते मुसलमान लड़कियों के लिए। लेकिन ऐसा क्यों, किस लिए? लड़के हैं इसलिए उनको पढ़ाई पढ़ने भेजा जाता है, लड़कियाँ इसलिए नहीं भेजा जाता है, क्यों? आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि लड़कियाँ लड़कों से बेटर है, लड़कियाँ लड़कों से आगे निकल रही हैं आज के डेट में। आप हिस्ट्री देखिए या फिर आप अभी जो प्रेजेंट में जितने भी हो रहे हैं वो सब चीज़ों को आप गौर से देखिएगा तो लड़कियाँ लड़कों से बेटर कर रहे हैं। इवन मैं भी उन लोगों का रिस्पेक्ट करता हूँ एंड आई नो दे आर बेस्ट। मैं भेदभाव करता था लेकिन अब नहीं करता हूँ और आगे नहीं करने दूँगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हर एक चीज़ में, रिलीजन में आ जाए तो हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई ये सब भेदभाव करते हैं। अरे क्या मतलब, हिंदू हैं तो क्या मुसलमान के साथ हम लोग बैठ उठ नहीं सकते, उनके साथ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इस प्लेनेट का नहीं है? और अगर मुसलमान है तो क्या वो हिंदू के साथ खाता पीता नहीं है? वो हिंदू क्या इस प्लेनेट का नहीं है, दूसरे प्लेनेट का है? सबके पास दो आँख, दो हाथ, दो पैर, नाक, मुँह, कान, नाक, सब चीज़ हैं। वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान हैं। तो भेदभाव की क्या ज़रूरत है? सबको हम अगर इक्वली लेकर चले तो भेदभाव की क्या ज़रूरत है? और हम लड़के लड़कियों को क्यों नहीं इक्वली देखते हैं, क्यों अलग देखते हैं? ऐसे कपड़े ना पहनो, ऐसे कपड़े ना करो, ऐसे काम ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, और लड़कों के लिए फ्री कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन क्यों, किस लिए? मैं भी एक लड़का हूँ, पर मैं जानता हूँ लड़कियों के प्रॉब्लम को, मैं जानता हूँ कि लड़कियों को क्या फील होता होगा। लेकिन उस सब चीज़ों को हटानी ज़रूरत है। ये बस एक गंदी सोच है और कुछ नहीं है। अगर हम इस, ये बस नज़र का फेर है, नज़र से अगर हम इस चीज़ को हटा दें, अलग कर दें ना, तो हमारा भारत आगे बढ़ेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि अगर आप इंडिविजुअली, अगर आप एक एक करके इसे हटाएंगे तो आप ये सोचेंगे, अवश्य सोचेंगे कि यार मेरे करने से ही क्या भारत सुधर जाएगा? ऑब्वियसली नहीं सुधरेगा सिर्फ आपके करने से। लेकिन आप करो तो, और जो आप कर रहे हो वो दूसरे को बताओ और उसको सोचने पर मजबूर करो कि हाँ तुम भी ये करो। ऑब्वियसली वो भी करेगा जब आप एक बार उसको समझाएंगे, सिखाएंगे, दिखाएंगे वो सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं, जो अपने आप नज़रिए से हटा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप नफ़रत कर रहे हैं। भेदभाव से अगर आप नफ़रत करना शुरू कर देंगे तो आपका लाइफ एक नए वे में जाएगा। क्यों हम उस पुराने वे में खुद को ढालें? क्यों नहीं हम अपना नया वे करें? आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भेदभाव। अमीर लोग गरीब को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या वो तुम खाते पीते नहीं हैं? हाँ, फ़र्क बस इतना है कि कुछ गरीब भीख मांगते हैं, कुछ अमीर भीख देते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी उनका नज़रिया उनको देखने का कुछ और रहता। गरीब लोग अमीरों को उसी नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से उनको देखना चाहिए, लेकिन अमीर लोग गरीब को एक गलत नज़रिए से देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक इंसान है और अमीर भी एक इंसान है। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत सी भेदभाव हैं। आप गवर्नमेंट हमारी करती है भेदभाव, पर जॉब अगर लेने जाए, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे तो उसमें हमारे कास्ट डिवाइड किए जाते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल। क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी? अगर हम सब एक साथ मिल जाएं तो क्या ये दूर नहीं हो सकता? ऑब्वियसली दूर हो सकता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमारे भारत में। हम लोग इंडियन हैं, अगर हम एक एक सोच लेंगे ना तो एक के साथ लाख जुड़ेंगे, करोड़ों जुड़ेंगे और ये हट जाएगा। भेदभाव की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लड़के और लड़कियों को जो भी ये वीडियो देख लें, सबको इंडिविजुअली ना देखें, सबको इक्वली देखें, लड़के हो या लड़की हो, सबको चांस दें, सबको हम अपॉर्चुनिटी दें, वो करेंगे, बेटर करेंगे। लड़कियाँ तो लड़कों से बेटर करेंगे, ये तो मेरा चैलेंज है आपसे, ऑब्वियसली करेंगे। तो क्यों हम अपने ये सोच को गंदी करें? क्यों ना हम अच्छा सोच करें? क्यों ना हम नए वे में जाएं? जानी ज़रूरत है हमें नए वे में, क्योंकि ये आगे आने वाले जनरेशन कोई पर इफ़ेक्ट करेगा। क्या आप चाहते हैं आगे आने वाली जनरेशन पे इफ़ेक्ट करे? नहीं, तो इस सोच को बदलें।
आपका फैसला सुनाने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ कि हाँ आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपने सोच को बदलिए, भेदभाव के नज़रिए को बदलिए। भेदभाव की कोई ज़रूरत नहीं हमारे भारत में, हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियन। ये बात अलग है कि चलो गवर्नमेंट ही जातिवाद कर रही है तो गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए जातिवाद कर रही है, हम लोग भेदभाव करते किस फ़ायदे के लिए? कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हम लोग का घाटा है भेदभाव करने से। भेदभाव की कोई ज़रूरत नहीं। विपक्ष पक्ष ये सब पॉलिटिक्स में ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी में नहीं। हम लोग इंसान हैं और सबको इक्वली देखना है हमें। ऐसा नहीं है कि जानवर को देखिए, जानवर कैसे कहा जाता है कि डॉग सबसे वफादार होता है। डॉग क्या भेदभाव करता है? कभी नहीं करता। बस वो भेदभाव ये करता है कि मालिक का वफादार रहता, मालिक के अलावा वो सबको काटेगा। ऐसा नहीं कि मालिक के अलावा लड़के को कम काटेगा, लड़कियाँ को ज़्यादा काटेगा, लड़कियों को कम काटेगा तो लड़के को ज़्यादा काटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको इक्वली है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भेदभाव मिलें, जुड़े रहें और भेदभाव एक दूसरे को समझाएं और भेदभाव को दूर करें। ये भेदभाव की कोई ज़रूरत नहीं, विपक्ष पक्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब इंसान हैं, सब भारतीय हैं, सब नागरिक हैं भारत के। तो ऐसा हमें भेदभाव की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एकदम मैं आपके अंदर से ये बुलवा कर दिखवा दूंगा कि हाँ यार भेदभाव की कोई ज़रूरत नहीं, आप अंदर एक बार पूछ कर तो देखिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। और हम उससे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे भी ऐसे ही बहुत सी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं गुलशन गुप्ता और आप देख रहे हैं गुलशन गुप्ता चैनल।